अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक लेस डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिए है गुलेरा चैनलेट 6 प्लाई कॉटन यार्न। ये आपको प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर्स पर या अमेज़ॉन पर ऑनलाइन मिल जाएगा इजीली, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और नीडल मैंने यहाँ पर ली है 0 नंबर 1.75 mm की। नैपकिन पर मैं ये बना रही हूँ क्योंकि सैम्पल डिज़ाइन बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप इसे दुपट्टे पर बना सकते हैं, साड़ी की बॉर्डर पर बना सकते हैं, ड्रेस के दामन पर, स्लीव्स पर आप इसे बना सकते हैं। उससे पहले अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। सो चलिए स्टार्ट। फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट ले लेंगे इस तरीके से। गाइज, रमज़ान में बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन की वजह से मैं डेली वीडियोज़ नहीं ला रही हूँ, उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं साथ ही साथ ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो अगर आप मेरी डेली लाइफ देखने में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे सेकंड चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करें बी नेचुरल सीक्रेट्स, तो आपको मेरे उस चैनल तक आप पहुँच जाओगे। तो इस तरीके से आपको राउंड करके पहले स्लिप नट ले लेना है। स्लिप नट लेने के बाद अब मैंने यहाँ पर नैपकिन लिया है। आप दुपट्टा लोगे तो उसके बॉर्डर से, जितनी भी उसकी फोल्ड की हुई बॉर्डर होगी, उसके नीचे बराबर आपको नीडल डालनी है। अब धागा लेकर बाहर आ जाना है। अब ऊपर तक आप ऐसे खींचकर बाहर ले जाओ और दोनों धागों में से आपको बाहर आ जाना है इस तरीके से। इसे आप अटैच भी कह सकते हैं, इसे आप सिंगल क्रोचेट भी कह सकते हैं। अब हम लेंगे 3 चैन, 1, 2, 3। 3 चैन लेकर जहाँ तक ये 3 चैन पहुँच रही है, ना कि बहुत ज़्यादा दूर और ना ही बहुत ज़्यादा नज़दीक, जहाँ तक ये लेवल पहुँच रहा है बराबर उसके नीचे आपको नीडल डालनी है। फिर धागा लेकर बाहर आ जाना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऐसे खींच कर ये जो बॉर्डर है उसके लेवल तक ले जाना है। फिर दोनों धागों में से आपको बाहर आ जाना है। अब इसी तरीके से फिर हम 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3। 3 चैन लेने के बाद फिर इसके लेवल से हम अटैच कर लेंगे। और इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। फिर लेंगे 3 चैन, फिर अटैच कर लेंगे और ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। गाइस, हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से आपको पहले फर्स्ट लाइन बना लेनी है। अब हम सेकंड लाइन फॉलो करेंगे, जिसके लिए हमें 4 चैन लेकर टर्न लेना है। 1, 2, 3, 4। 4 चैन लेकर हम टर्न ले लेंगे। अब ये जो फर्स्ट हमारा अटैच दिख रहा है आपको, इसमें हमें ये 3 चैन छोड़कर ये जो अटैच है इसके ऊपर हमें अटैच कर लेना है। इस तरीके से नीडल डालेंगे, सिंपली धागा लेते हुए बाहर आएंगे और दोनों धागों में से बाहर आ जाएंगे। फिर 4 चैन लेंगे, फिर इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। फिर हम लेंगे 4 चैन एंड देन अटैच कर लेंगे। 1, 2, 3, 4। फिर यहाँ अटैच करेंगे। फिर 4 चैन लेंगे, फिर यहाँ अटैच करेंगे और ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करके आपको बता दें। ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही हमने 4 चैन अटैच लेते हुए ये पूरी लाइन बना ली है। अब जब ये लाइन बन जाए तब हम नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे। अब हम 1 चैन लेकर टर्न ले लेंगे, ये जो फर्स्ट गैप है इसमें अटैच करेंगे ऐसे। अब ये जो नेक्स्ट गैप आपको दिख रहा है, ये गैप आप अटैच करके छोड़ दो। नेक्स्ट गैप में आपको डबल क्रोचेट लेना है। नीडल पर धागा फोल्ड करके गैप में जाएंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे। पहले 2 धागों में से बाहर आ जाएंगे, फिर 2 धागों में से बाहर आ जाएंगे। 1,
टू थ्री एंड ये फोर, इस तरीके से। अब हम लेंगे थ्री चेन, वन टू थ्री, थ्री चेन लेकर फिर सेम गैप में फोर टाइम्स डबल क्रोचेट, वन टू थ्री फोर, इस तरीके से। अब फिर नेक्स्ट गैप में अटैच कर लेंगे, फिर नेक्स्ट गैप में सेम यही डिज़ाइन यहाँ फॉलो करेंगे, पहले फोर टाइम्स डबल क्रोशेट ले लेंगे, वन टू थ्री फोर, फिर लेंगे थ्री चैन, फिर सेम गैप में फोर टाइम्स डबल क्रोचेट, वन टू थ्री फोर, इस तरीके से। अब फिर नेक्स्ट गैप में अटैच कर लेंगे, फिर नेक्स्ट गैप में फोर टाइम्स डबल क्रोचेट, वन टू थ्री फोर, फिर थ्री चैन, फिर सेम गैप में फोर टाइम्स डबल क्रोचेट, थ्री और ये फोर। अब ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट गैप में सिंपली अटैच। अब ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए गाइस, ये लेस डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से आपको भी फॉलो करना है, और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ या जो भी क्रोशेट लवर्स हैं उनके साथ आप ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय गाइस।